नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जैन। दिल्ली के कनॉट प्लेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस का एक जवान गिटार बजा रहे आर्टिस्ट को डांटता नजर आ रहा। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो को देखकर लोग दिल्ली पुलिस के जवान को खड़ी खोटी सुना रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर राजेश तैलंग ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो के साथ राजेश तैलंग ने लिखा, इस क्लिप को इंस्टाग्राम पर देखा, ये कलाकार हमारी दिल्ली को और अधिक सौंदर्यपूर्ण और संगीतमय बनाते हुए शर्मनाक। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाला गिटार बजा रहे कलाकार के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे बाहर जाने के लिए कहने लगता है। कुछ देर में ही उसे एक अपराधी की तरह हाथ पकड़कर उठाने लगता है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही लोग भड़क गए। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल ने कमेंट किया, जहां लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है वहां दिल्ली पुलिस नादारत रहती है और ऐसी जगहों पर लोगों को बेवजह परेशान कर रही है, अति निंदनीय। पत्रकार अमिश देवगर ने कमेंट किया है कि यह दिल्ली पुलिस के बिल्कुल ठीक नहीं किया है। पत्रकार शिल्पा ठाकुर ने लिखा, सड़क पर घर बनाकर रहने वालों को पुलिस नहीं रोकती, लेकिन गिटार बजाने वालों को रोक देती है। पत्रकार सौरभ त्रिपाठी लिखते हैं कि जहां नहीं जरूरत वहीं क्यों ताकत दिखाती नजर आती है अक्सर पुलिस। टीवी पत्रकार प्रणय उपाध्याय ने लिखा, गिटार बजाते शख्स को तो हटा दिया, शायद हुक्म होगा कि कोई सीपी पेवमेंट पर ना बैठे, रास्ता ना रोके, सो आदेश पूरा हुआ। मगर सीपी के गलियारों में दुकानें बढ़ती जा रही है, वहीं भीतर गलियों में रात को होने वाले नशे को कारोबार भी साहब ना तो आवाज से रोक पा रहे हैं और ना हाथ पकड़कर उठा पा रहे हैं। पत्रकार ने लिखा है कि एक कलाकार के लिए इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो आवाज चले नहीं सुनूंगा तो क्या करेगा? खड़े हो, तरीका है। चलिए भाई, तरीका है।